पूरे विश्व में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पौधारोपण हेतु जन जागरूकता लाने के उद्देश्य को लेकर लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में वहां के डीन प्रिंसिपल टीचर्स और विद्यार्थियों के साथ मिलकर 100 फलदार पौधों का रोपण किया। रोपण किए पौधों में मुख्य रूप से आंवला, बेल, पीपल, लक्ष्मी ताल, हर्रा बहरा, अश्वगंधा, नीम, कटहल, जामुन आदि अनेक फलदार पौधों का रोपण कर मौजूद छात्रों को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते असर को देखते हुए लगातार पौधारोपण का दौर जारी है और प्रायः हर जगह पर पौधों का रोपण करते लोग देखे भी जा रहे हैं। इसी कड़ी में लॉयंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में वहां के डीन प्रिंसिपल टीचर्स एवं बच्चों के साथ मिलकर लगभग 100 फलदार पौधों का रोपण किया। साथ ही इन पौधों को संरक्षण देने के लिए बच्चों को शपथ भी दिलाई। इन 100 फलदार पौधों में मुख्य रूप से आंवला, बेल, पीपल, लक्ष्मीताल, हर्रा बहरा, अश्वगंधा, नीम, कटहल, जामुन और भी अनेक प्रकार के फलदार पौधों का यहां पर रोपण जागरूकता पूर्वक किया गया। शामिल छात्रों को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रोत्साहित भी यहां पर किया गया। लॉयन अध्यक्ष सुमन पांडे ने स्वागत भाषण भी यहां पर दिया और उपस्थित छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। वहीं आभार प्रदर्शन कार्यक्रम प्रभारी MJF लॉयन ज्ञानचंद पाटनी ने किया। बताते हैं पौधारोपण अभियान में कॉलेज के डीन राजेश शर्मा, डायरेक्टर CS शर्मा, प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष शर्मा, कॉरपोरेट रिलेशन राजीव नायर, डॉक्टर अमित राय, डॉक्टर पद्मिनी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर जिनका सहयोग बेहद ही प्रभावशाली रहा। साथ ही लॉयन मेंबर लॉयन दुलई जी, लॉयन हरमीत सिंह भाटिया, लॉयन अमर सिंह गुप्ता, PMJF लॉयन सतीश चंद्र सुराना, MJF लॉयन रौनक जमाल, MJF लॉयन ज्ञानचंद पाटनी, लॉयन स्नेह लता साहू, लॉयन रुपिंदर कौर, लॉयन अनीता तिवारी, लॉयन सुनील अग्रवाल और कॉलेज के 150 छात्र, कॉलेज स्टाफ साथ ही फार्मेसी के छात्र उपस्थित हुए। इस वृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़कर अपनी अपनी भागीदारी दी। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में लॉयन अध्यक्ष सुमन पांडे का सम्मान भी किया गया। ACN News के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।